अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए विश्व कैंसर दिवस, बी विश्व चेचक दिवस, सी विश्व जनसंख्या दिवस या डी विश्व मानवाधिकार दिवस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर, आपसी रंजिश में अपराधियों ने युवक को मारी चाकू, गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर चौक के समीप आपसी रंजिश में एक युवक को 10 की संख्या में आए हमलावरों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायल युवक को मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। घायल युवक की पहचान मायागंज निवासी दीपक कुमार के रूप में की गई है। घायल दीपक ने बताया कि उसे चाकू मारने से पहले युवकों ने टोटो चालक के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। टोटो जो चालक है नीरज यादव, कहाँ का है ये? खरीफ बड़ी खंजरपुर का है। बड़ी खंजरपुर का, पर इसको मारे हैं सब ना? पहले टोटो वाला को मारा है। अच्छा, ये नीरज मारा है? हाँ, यही लोग लड़का लिखा या पहले टोटो वाला को मारा? वो टोटो चालक का नाम मालूम है? नीरज जानता हूँ, मायागंज सर घर है, नाम नहीं जानते लेकिन अच्छा जानते हैं उसका। दीपक, हाँ बरारी का दीपक। तुम उसको बचाने गए थे? नहीं नहीं सर जी, हम तो यहाँ अपना दुकान के पास थे। ये अपनी दुकान जो मरिया नहीं है वहीं पर खड़ा था सब परी सब। मगेशिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9669048177992499821। नवगछिया पुलिस जिले के 5 थाने में महिला हेल्प डेस्क की हुई स्थापना। नवगछिया टाउन थाने में एसपी ने महिला हेल्प डेस्क का किया उद्घाटन। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर नवगछिया पुलिस जिले के 5 थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हुई है। रविवार को पुलिस जिले के टाउन थाना क्षेत्र में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कर दी गई। महिला हेल्प डेस्क का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर एसपी सुशांत कुमार सरोज ने किया है। वहीं मौके पर एसडीपीओ दिलीप कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर मार्क कांडे सिंह, टाउन थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। नवगछिया थाना अध्यक्ष में हेल्प डेस्क में एसआई किरण सिंह, महिला सिपाही स्नेहा प्रिया एवं रिया सिंह को प्रतिनियुक्त किया गया है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। पुलिस जिले के 5 थाना, नवगछिया टाउन थाना, एससी एसटी थाना, गोपालपुर थाना, खरीक थाना एवं बीहपुर थाना में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन हुआ। देखिए, पुलिस मुख्यालय के आदेश से नवगछिया पुलिस जिला में 5 थानों में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर के प्रत्येक थाना में अलग से एक पुलिस पदाधिकारी, 2 पुलिस महिला सिपाही या जहाँ पदाधिकारी कमी है वहाँ 3 पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं थाना में आती हैं कभी कभी वो पुरुष पदाधिकारी से सहजता से अपनी बात को नहीं रख पाती हैं, जिससे ये फायदा होगा कि महिलाएं अपनी बात को सहजता से रख सकती हैं और पुलिस महिला पदाधिकारी जो है, जो पुलिस महिला कर्मी है, वो भी एक ढंग से सुनेगी बात को, ताकि उन्हें भी एक जो पीड़िता है उसे न्याय महसूस हो, हमें न्याय मिल रहा है, क्योंकि पीड़िता का बात सुनना, बात को समझना प्रथम न्याय यही होता है। ये कहाँ कहाँ पे स्थापित हुआ है सर? ये देखिए, इस 5 जगह है। एक तो आदर्श थाना नवछाग है, दूसरा एससीएसटी थाना है, तीसरा गोपालपुर है, चौथा खड़ीक है, पांचवा भी। इससे क्या फायदा होगा? मैंने पहले कहा कि इस
जहाँ पर ये व्यवस्थाएँ की गई हैं, महिलाएँ अपनी बात को अच्छे ढंग से सहजता के साथ जो महिला पुलिसकर्मियों के साथ रख सकती है, और महिला पुलिसकर्मी भी अच्छे से बात इनकी सुनेगी। तो पहला जो न्याय होता है थाना में, पीड़ित या पीड़िता का बात को सुनना और समझना, इसी उद्देश्य से ये व्यवस्थाएँ की गई है पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार। धन्यवाद सर। नवगछिया, भाजपा का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न। भारतीय जनता पार्टी नवगछिया नगर में चल रहे दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का रविवार को नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल की अध्यक्षता में समापन किया गया। रविवार को पहले सत्र में जिला मंत्री मुकेश राणा ने सोशल मीडिया के बारे में विस्तार रूप से जानकारी कार्यकर्ताओं को दी, वहीं अध्यक्षता नगर मंत्री शंभू रजक ने किया। दूसरे सत्र में वरिष्ठ नेता सत्येंद्र नारायण चौधरी कौशल ने व्यक्तित्व विकास के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। इस सत्र की अध्यक्षता अशोक सिंह ने किया। तीसरे सत्र में पूर्व सांसद अनिल यादव ने पंचायती राज के बारे में जानकारी दिया। इस सत्र की अध्यक्षता नगर महामंत्री प्रवेश यादव ने किया। चौथे सत्र में जिला प्रभारी अभय वर्मन ने 2014 के बाद भारतीय राजनीति में बदलाव के बारे में और पार्टी में हमारे दावित्व के बारे में जानकारी दी। इस सत्र की अध्यक्षता अनूप भगत ने किया। प्रशिक्षण शिविर का संचालन नरेश प्रसाद शाह ने किया। प्रशिक्षण शिविर का समापन महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष रेखा देवी ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान मुख्य रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष सुबोध सिंह कुशवाहा, वाणिज्य प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मुरारी लाल चिरानिया, जिला उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा, मुकेश राणा, श्री किशोर झा, मदन भगत, नईम अख्तर, अभिनंदन यादव, प्रेम जायसवाल, नूतन देवी, रमेश राय, तारकेश्वर गुप्ता, दीपक शर्मा समेत तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। रंगरा, वेजिटेबल पीकर बनाने वाली छात्रा मनीषा को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया सम्मानित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विस्तार केंद्र रंगरा की ओर से सदवा दियारा क्षेत्र में अपने पिता की बैगन की खेती की समस्याओं से प्रेरित होकर 7वीं कक्षा की छात्रा वेजिटेबल पीकर का आविष्कार करने वाली छात्रा मनीषा कुमारी को सम्मानित किया गया है। वहीं मौके पर जिला संयोजक पंकज यादव ने कहा, हमारे गांव में छात्राओं में भी प्रतिभा की कमी नहीं है। वहीं मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अनु चौरसिया, समाज सेवी प्रत्योष कुमार सिंह, अनुराग कुमार आर्य एवं बेचन कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया, कलश यात्रा के साथ तिंटेंगा दियारा में मानस ज्ञान यज्ञ प्रारंभ। रंगरा के सरस्वती हाट तिंटेंगा दियारा उत्तर में रविवार को अखिल भारतीय मानस ज्ञान यज्ञ के 54वें यज्ञाधिवेशन प्रारंभ हो गया है। सुबह 108 कन्याओं द्वारा कलश यात्रा निकाला गया। कलश यात्रा में कन्याओं ने यज्ञ स्थल से जल पात्र उठाकर उत्तर वाहिनी गंगा घाट से लेकर पुनः यज्ञ स्थल तक पहुंची, फिर वैदिक विधान से पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देर शाम महंत सुरेश दास उत्तर प्रदेश के झांसी से आई मालती मानस रामायण, अयोध्या धाम से आए नारायणी त्रिपाठी और राम टहल दास जी समेत अन्य ग्रामीण ने प्रवचन मंच का विधिवत उद्घाटन किया। देर शाम संतों का प्रवचन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। डोलवजा, राम मंदिर निर्माण को लेकर चलाया धन संग्रह अभियान। डोलवजा थाना क्षेत्र के रामपुर तथा गरैया में रविवार को राम मंदिर निर्माण समिति के सदस्यों ने घर घर जाकर धन संग्रह किया। इस टोली में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चंदन, शुभम, अभिषेक, प्रशांत, भवेश, कन्हैया के साथ अन्य लोग मौजूद थे। ढोलबजा के कदवा के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दिव्यांशु डिजिटल सेंटर में चोरी। शनिवार की देर रात कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोला टोला चौक समीप स्थित कुशवाहा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दिव्यांशु डिजिटल सेंटर में अज्ञात चोरों ने करीब 1,00,000 रुपए के विभिन्न उपकरणों की चोरी कर ली है। दुकानदार सिंटू कुमार उर्फ रूपेश हर रोज की तरह रात में सेंटर बंद कर घर चले गए थे। सुबह जैसे ही दुकान पर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ था और दुकान के कई सामान अंदर बिखरे पड़े हुए गायब थे। सिंटू ने बताया कि चोरों ने दुकान में सीपीयू, डेस्कटॉप, यूपीएस प्रिंटर, आईटेल कंपनी के 5 नए मोबाइल, स्मार्टफोन, जियो के 6 मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, 40 एलईडी बल्ब, 10 क्वाइल बिजली तार, 12 मोबाइल चार्जर, 5 एलईडी ट्यूब व नगद 5,000 रुपए की चोरी कर ली है। वहीं पूछे जाने पर थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है, जो भी चोर होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया परवत्ता थाना का नवगछिया एसपी ने किया निरीक्षण। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने रविवार को परवत्ता थाने का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के क्रम में एसपी ने लंबित कांडों वारंटों का 7 दिन के अंदर संधारण करने का निर्देश दिया है। एसपी ने पुलिस कर्मियों को नियमित गश्त करने का भी निर्देश दिया है। नवगछिया एसपी कार्यालय और एसपी आवास के लिए जमीन का निरीक्षण। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने एसपी आवास और एसपी कार्यालय के नवनिर्माण के लिए कचहरी परिसर में जमीन का निरीक्षण किया। एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि उनके स्तर से जमीन का निरीक्षण कर लिया गया है और इसकी जानकारी सीओ नवगछिया को दे दी गई है। एसपी ने बताया कि सीओ द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद एसपी कार्यालय और आवास के निर्माण के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट कर अनुमति ली जाएगी। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने के बाद गंगा नदी के तटीय इलाके में हाई अलर्ट जारी। उत्तराखंड में ग्लेशियर के फटने के बाद बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के निर्देश के आलोक में नवगछिया बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा गंगा नदी के तटवर्ती इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी कनीय अभियंताओं को अपने अपने अधीनस्थ तटबंध की निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। इस्माइलपुर से लेकर बिनटोली तक राघोपुर में विशेष रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। बताते चलें, उत्तराखंड के क्षेत्र में ग्लेशियर के फटने के बाद गंगा नदी के जलस्तर में संभावित बढ़ोतरी होने की संभावना के कारण जल संसाधन विभाग द्वारा तटबंधों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि गंगा नदी का जलस्तर न्यूनतम स्तर पर है। नवगछिया लूटकांड में शामिल 2 अपराधी सहित 16 गिरफ्तार। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर शनिवार को देर रात चलाए गए समकालीन छापेमारी में लूटकांड में फरार चल रहे 2 अपराधियों सहित कुल 16 को नवगछिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी द्वारा गठित टीम के द्वारा की गई छापेमारी में पुलिस को सफलता मिली है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि समकालीन छापेमारी को लेकर जिले में 3 टीम का गठन किया गया, जिसमें एक टीम का नेतृत्व एसडीपीओ दिलीप कुमार कर रहे थे तो दूसरे टीम का नेतृत्व नवगछिया सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडे सिंह कर रहे थे, तीसरे टीम का नेतृत्व बिहपुर सर्किल इंस्पेक्टर अमर विश्वास कर रहे थे। छापेमारी के दौरान लूटकांड में फरार चल रहे अपराधी नवगछिया थाना क्षेत्र के मील टोला निवासी मिथुन कुमार सिंह उर्फ मृत्युंजय सिंह को नवगछिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि लूटकांड में शामिल अपराधी नवगछिया थाना क्षेत्र के राजेंद्र कॉलोनी निवासी गोलू कुमार को भी पुलिस टीम ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया है। इसके अतिरिक्त 3 टीमों ने विभिन्न कांड में फरार चल रहे कुल 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि वर्ष 2020 में हुई लूट की घटना में मिथुन कुमार सिंह फरार चल रहा था, जबकि गुटखा लूट कांड में गोलू कुमार फरार चल रहा था। नवगछिया कटिहार की टीम को पराजित कर नवगछिया की टीम सेमीफाइनल में। नवगछिया के खरीफ प्रखंड के बहतरा खेल महोत्सव 2021 के दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट टीम नवगछिया की टीम ने कटिहार की टीम को हरा कर सेमीफाइनल में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। मैच का उद्घाटन अंगिका के मशहूर कवि त्रिलोकीनाथ दिवाकर ने फीता काट कर किया। टॉस जीतकर नवगछिया की टीम ने पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया। पहले खेलते हुए कटिहार की टीम ने 19 ओवर में सभी विकेट खोकर 189 रन बनाए। वहीं जवाब में उतरी नवगछिया की टीम ने 13 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाकर मैच जीत लिया। नवगछिया के ऑलराउंडर चंदन को मैन ऑफ द मैच दिया गया, जिन्होंने 100 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई तथा 4 ओवर के स्पेशल गेंदबाजी में 44 रन देकर महत्वपूर्ण 3 विकेट झटक लिए थे।
रंगरा 5 लीटर देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार। नौगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के उसरहिया गांव में रविवार को देर शाम पुलिस ने छापेमारी कर 5 लीटर देसी शराब के साथ गांव के ही हरि मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया, शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9669048177799249981। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371187 7325052437। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।